नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र कुमार। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम नई नई गाड़ी चलाना सीखते हैं और जब हम सड़क पर चलते हैं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें जो होता है वो हमारे गाड़ी के आगे का जो जजमेंट होता है उसे करने में होता है, और बोनट हमें दिखाई नहीं देता है। तो किस तरह से हम गाड़ी के आगे के बोनट को जज कर पाएंगे, और इसी पर हम आज बात करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह का सिचुएशन हमारे पास जो है विभिन्न स्थितियों में अलग अलग तरीके से आता है। तो सबसे पहला जो हमें इस तरह का स्थिति आता है तो वो होता है ट्रैफिक में, और जब हम बम्पर टू बम्पर गाड़ी को चलाते हैं तो आगे जो हमारी गाड़ियां होती है उसके हम कितना करीब जाएं और किस तरह से अनुमान लगाएं कि आगे की गाड़ी से हम टकरा ना जाएं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला जो हमारे पास सिचुएशन है कि बम्पर टू बम्पर में हम आगे के बोनट को कैसे जज करेंगे, तो उसको हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो अभी हमारे पास जो है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक तो नहीं है, लेकिन हमारे पास हमारी जो टाटा टिगोर है आगे खड़ी है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप किस तरीके से उससे सेफ डिस्टेंस लेकर के गाड़ी को चला सकते हैं। तो यहां से अगर यदि आप लोगों को दिख पा रहा होगा कि हमारी जो i20 है, यहां से डैशबोर्ड से आगे का बोनट जो है, आगे का पोजीशन है, वो एकदम से कुछ नहीं दिखता है, एकदम ब्लैंक दिखता है। तो इस स्थिति में आगे का अनुमान लगाना और भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है और हमारे साथ जो है दुर्घटना हो जाती है। तो इसको हम किस तरीके से जो है जानेंगे, तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहला जो आपको करना है कि आप अपना जो सीट है उसको जितना हो सके तो आप उसको आगे कर लीजिए, और गाड़ी का अगर यदि सीट आपका एडजस्टेबल है तो उसकी हाइट को भी आप बढ़ा लीजिए, और आप अगर यदि ऊंचा बैठिएगा तो आपको थोड़ा सा ऊंचा व्यू मिलेगा और आप आगे के बोनट का जजमेंट जो है बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो सीट को एडजस्ट कर लेने के बाद में चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं टिगोर वहां पर खड़ी है, तो उसको हम उसके सामने हम लोग जाने की कोशिश करते हैं और कितना सेफ डिस्टेंस हम उससे रख सकते हैं तो उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने चलना प्रारम्भ कर दिया है और हम लोग धीरे धीरे जो है ट्रैफिक के सिचुएशन की स्थिति के अनुसार जो है आगे उसके जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो आपके कैमरे में जो दिख पा रहा होगा, तो ये जो आगे जो गाड़ियाँ होती है उसका जो नंबर प्लेट होता है वो एकदम आपके आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू देखने का है उससे आपके जो गाड़ी का जो नंबर प्लेट है वो यहाँ का जो डैशबोर्ड है वहाँ से वो जो है दिखना, जो ही बंद होने लगेगा तो आपको गाड़ी रोक देनी है, और इस तरह से आप उसके जजमेंट को बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। और दोस्तों, ये जो तरीका है, ये तरीका दोस्तों आपको सिर्फ इस तरह की छोटी गाड़ियों पर ही अप्लाई होगा। अगर यदि इसके इस तरीके को आप बड़े से ट्रक के साथ में लागू करेंगे तो वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस तरह की छोटी गाड़ियों का नंबर प्लेट जो है उसको ध्यान में रख करके आप आगे का जजमेंट बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। उसका जो नंबर प्लेट होता है वो एकदम पूरा पूरी आपको स्पष्ट दिखना चाहिए। अगर यदि वो दिखना बंद हो जाएगा तो आपकी गाड़ी जो है सामने वाली गाड़ी से टकरा जाएगी। तो चलिए अब नीचे उतर कर देखते हैं कि हमारी और टाटा टिगोर के बीच में कितना डिस्टेंस बचा हुआ है। तो दोस्तों, हमने टाटा टिगोर के पीछे अपनी i20 लगा दी है, और चलिए उतर कर देखते हैं कि हमारी i20 और टाटा टिगोर के बीच में कितना सेफ डिस्टेंस बचा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जब मैं ड्राइविंग पोजीशन पर बैठा हुआ था अपना, वहाँ के देखने के व्यू से हमारी डैशबोर्ड से ये जो टाटा टिगोर का नंबर प्लेट है वो पूर्ण रूप से जो है वो हाइड हो जा रहा था, छुप जा रहा था। तो यहाँ पर हमारे और टाटा टिगोर के बीच में इतना सेफ डिस्टेंस बचा हुआ है, तो ये बहुत ही क्लोज सेफ डिस्टेंस बचा हुआ है दोस्तों। तो आप किसी भी गाड़ी का जो नंबर प्लेट होता है उसका जो है रेफरेंस पॉइंट लेकर के आप उसके पीछे पीछे जो है चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर यदि आपको इससे ज़्यादा सेफ डिस्टेंस अगर यदि रखना है, तो जहाँ पर मैं बैठा हुआ था और वहाँ से डैशबोर्ड से ये जो नंबर प्लेट थी वो छुप जा रही थी, तो आपको नंबर प्लेट को छुपने देने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके पहले भी अगर यदि रोक देंगे तो आपकी जो ये सेफ डिस्टेंस है वो थोड़ी सी आपकी बढ़ जाएगी, और आप एक आगे की गाड़ी से अच्छी खासी दूरी बना करके आप चल सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा अगर यदि आपको डिस्टेंस चाहिए तो ये जो लोअर बम्पर का जो एरिया होता है उसको आप रेफरेंस पॉइंट ले करके चल सकते हैं, और उस तरह से आपकी गाड़ी जो है वो काफ़ी सेफ डिस्टेंस बच जाएगी और आप आसानी से गाड़ी को आगे लेकर के चल सकते हैं। हमारी टाटा टिगोर जो है आगे आगे चल रही है और उसके पीछे जो है हम अपनी गाड़ी का बोनट को जज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप जो हमारी जो टाटा टिगोर है उसकी नंबर प्लेट जो है वो आसानी से दिख रही है, और जो अभी जो टाटा टिगोर का जो लोअर बम्पर है तो उसको हम लोग जो है रिफ्रेश
पॉइंट लेकर के चल रहे हैं और हमारी बोनट से जो टाटा टिगोर का जो बम्पर है, लोअर बम्पर है, वो जो है हाइड हो जा रही है और उसको जो है हम एक सेफ डिस्टेंस मान करके चल रहे हैं और हम अपनी गाड़ी को चला रहे हैं। तो इस तरह का स्थिति में दोस्तों रिफरेंस पॉइंट लेकर के आप जो है गाड़ी के आगे का जजमेंट बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। तो ये हुआ दोस्तों जब हम ट्रैफिक में चलते हैं और बम्पर टू बम्पर हमें ट्रैफिक मिलती है, उस स्थिति में आगे के बोनट को जज करने का तरीका। और दूसरी जब हमारे पास स्थिति आती है दोस्तों, तो वो होती है जब हम गाड़ी को अपने घर में पार्क करते हैं। तो दूसरा स्थिति हमारे पास कुछ इस प्रकार से आता है दोस्तों कि जब हम गाड़ी को अपने घर पे जो पार्किंग वाला एरिया होता है वहाँ गाड़ी को पार्क करते हैं, तो वैसे स्थिति में हम अपने आगे का जजमेंट भी सही से नहीं ले पाते हैं। और जब हम पार्किंग करते हैं तो पार्किंग के सामने जो हमारा कोई मान लीजिए कि दीवार है और उस दीवार से हम कैसे सेफ डिस्टेंस बना करके गाड़ी को पार्क करेंगे, तो चलिए उसको भी आज करके हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे घर का जो दीवार दिख पा रहा होगा तो वहाँ पे गाड़ी को ले जाने वाला हूँ और यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी का हेडलाइट है, हेडलाइट को यूज करते हुए गाड़ी को पार्क करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए पहले मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ कि हमने गाड़ी को स्टार्ट कर लिया है और आपको गाड़ी के हेडलाइट जो है उसको ऑन करना है। तो सबसे पहले गाड़ी के हेडलाइट को आप ऑन कर लें। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारी गाड़ी का हेडलाइट जो है वो ऑन हो गया है। और यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों कि जब भी आप गाड़ी का हेडलाइट ऑन करते हैं तो आपकी गाड़ी का जो हेडलाइट है वो हाई बीम पर ना हो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमने अभी गाड़ी के हेडलाइट को हाई बीम पर रखा है और यहाँ पर अभी आपने देखा कि हमने गाड़ी के हेडलाइट को लो बीम पर रखा है। तो आप हमेशा गाड़ी के हेडलाइट को लो बीम पर रखिए। और चलिए हम दीवार के सामने गाड़ी को ले जाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हेडलाइट को यूज़ करते हुए आगे का जजमेंट जो है हम किस तरीके से ले सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर गाड़ी को धीरे धीरे दीवार के सामने ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप जो है कैमरे में देख पा रहे होंगे कि हमारे जो पोजीशन है बैठने का, वहाँ से किस तरह से हेडलाइट को यूज़ करते हुए जो है हम सेफ डिस्टेंस बना करके गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। तो हमारे देखने का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस एरिया से हमारी गाड़ी का जो लो बीम होता है और ये जो बोनट का एरिया होता है तो वो हेडलाइट का जो इल्यूमिनेशन है वो जो है हाइड जैसे ही हो जाती है तो आपको गाड़ी रोक देनी है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारी गाड़ी का जो हेडलाइट का जो इल्यूमिनेशन है, जो चमक है, वो हाइड हो जा रहा है और हमने अब गाड़ी को रोक दिया है। तो चलिए नीचे उतर कर देखते हैं कि दीवार से और हमारी गाड़ी के बीच में कितना सेफ डिस्टेंस बचा हुआ है। तो चलिए गाड़ी से उतर कर नीचे देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि हमने हेडलाइट को यूज करते हुए दीवार और गाड़ी के बीच में एक सेफ डिस्टेंस बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ से दीवार और गाड़ी का जो बोनट होता है वो इतना सेफ डिस्टेंस जो है आप देख पा रहे होंगे कि हमारे बीच में बचा हुआ है। तो इस टेक्निक को भी अपनाकर दोस्तों आप गाड़ी, आपका जो गाड़ी का बोनट होता है और जो आपके पार्किंग का जो दीवार होता है उससे सेफ डिस्टेंस बना करके गाड़ी को आप पार्क कर सकते हैं। और तीसरी जब स्थिति हमारे साथ आती है दोस्तों कि फुटपाथ पर जब हम गाड़ी को पार्क करते हैं तो आगे का जजमेंट हम किस तरह से लेंगे, तो चूंकि हमारे यहाँ अभी फुटपाथ तो है नहीं, तो फुटपाथ नहीं है तो यहाँ पर हम जो है कुछ मार्किंग करके आपको दिखाने वाले हैं और उस मार्किंग को आपका जो आउटर रियर व्यू मिरर होता है जिसको ORBM कहा जाता है, ORBM को यूज करते हुए कैसे हम आगे के बोनट को जज करेंगे, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। जो आगे का जो बोनट का जजमेंट करने का जो तीसरा स्थिति हमारे पास आता है वो होता है जब हम गाड़ी को किसी फुटपाथ पर गाड़ी को पार्क करते हैं, वो शहरी क्षेत्रों में ऐसी समस्या हमारे पास आती है। तो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे हमने जो है ये कुछ मार्किंग की है और जो शहरों में मार्किंग किया हुआ रहता है फुटपाथ में, तो वो कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये जो है इस तरह से मार्किंग किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो गाड़ी जो दिख रही है खड़ी, तो ये जो फुटपाथ का जो नाली का जो एरिया होता है यहाँ पर जो है दीवार रहती है और जो कुछ ऊँचाई तक होती है और ये जो मार्किंग किया हुआ रहता है, तो इस मार्किंग के अंदर में हमें गाड़ी को पार्क करना होता है। ये जो व्हाइट पट्टी दी हुई रहती है इसको किस तरीके से हम यूज़ करेंगे ताकि हमारी गाड़ी का जो बोनट है वो आगे का जो दीवार होता है उससे न टकराए, तो चलिए इसको भी करके हम लोग देख लेते हैं कि इसको किस तरह से करना है। तो दोस्तों इस तरह के फुटपाथ में जब हमें गाड़ी को पार्क करना होता है और आगे का जजमेंट हमें लेना है, तो उसके लिए दोस्तों हमें अपने जो आउटर रियर व्यू मिरर होते हैं जिसको ORBM भी कहा जाता है, तो उसका मदद हमें लेना है।
तो जो रियर व्यू मिरर है उसको सबसे पहले आपको एडजस्ट करना होगा। मिरर को इस तरह से आप एडजस्ट कीजिए कि आपको जो है नीचे का जो हिस्सा होता है टायर के नीचे का ठीक वो दिखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि फुटपाथ वाले एरिया पर जो है हम कैसे गाड़ी को पार करेंगे और आगे का जो दीवार होता है उससे हमारी बोनट जो है न टकराए। तो यहाँ पर जो हमने आप लोगों को दिखाया था एक रूपरेखा बना करके फुटपाथ में इस तरह के पार्किंग एरिया हमें मिलता है। तो आगे जो हमारी टाटा टिगोर है तो वो अगर यदि दीवार उसको अगर यदि हम मानते हैं तो मिरर को हम यूज करते हुए गाड़ी को कैसे पार्क करेंगे। तो यहाँ पर आपको कैमरे में दिख पा रहा होगा कि हम जो है आगे एकदम नहीं देख रहे हैं और हमारी जो गाड़ी का रियर व्हील है जो पीछे का टायर है उसको मैं ध्यान में लेकर के चल रहा हूँ। तो ये जो व्हाइट पट्टी है जैसे ही हमारी पीछे की टायर जो है उस व्हाइट पट्टी को क्रॉस करेगी तो हम गाड़ी को रोक देंगे। हमारी गाड़ी जो है वो व्हाइट पट्टी को अभी जो है पार कर चुकी है, हमारे पीछे के टायर जो है व्हाइट पट्टी से क्रॉस हो चुकी है। तो चलिए उतर कर देखते हैं कि अब हमें कितना डिस्टेंस मिलता है। हमने मिरर को यूज करते हुए जो व्हाइट पट्टी थी व्हाइट पट्टी का जो एरिया होता है उससे ठीक हमारी पीछे के जो टायर हैं वो क्रॉस की और हमने गाड़ी को रोक दिया है। और ये जो व्हाइट पट्टी का जो एरिया होता है वो गाड़ी को पार करने का है, पूरा एक एरिया बनाया जाता है। तो आपकी कोई भी गाड़ी हो इस एरिया के अंदर में आपकी गाड़ी आ जाएगी तो आप पीछे का जो व्हाइट पट्टी है उसको मिरर में ध्यान रखते हुए अगर यदि आप आगे नहीं भी देखेंगे तो जैसे ही हमारी टायर उस व्हाइट पट्टी को क्रॉस करती है तो आप गाड़ी को रोक दें। और जब हमने गाड़ी को रोक दिया तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारी गाड़ी और दीवार के बीच का जो एरिया है तो इतना सेफ डिस्टेंस बचा हुआ है। तो इस तरह से आप गाड़ी के आगे के फ्रंट का जजमेंट बहुत ही आसानी से ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में मेरे द्वारा बताए गए जितने भी टिप्स हैं वो जो है पैमाने के तौर पर लिया जा सकता है दोस्तों, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर यदि आपके गाड़ी के फ्रंट का जजमेंट आपको लेना है तो सबसे पहले आपके गाड़ी का जो बोनट होता है उसको जितना जल्दी आप अनुमान लगा सके और जितना जल्दी आप उसको अनुमानित करके गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन यहाँ जो मेरे द्वारा बताए गए टिप्स हैं तो आप अगर यदि नई नई गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो इस ट्रिक को अपना करके आप गाड़ी के फ्रंट के आगे का जजमेंट बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और अगर यदि इसी तरह का वीडियो और भी आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय झारखंड, वंदे मातरम।